Why is it so important to get up early? Some of y'all don't want it. That's why you ain't got it. I don't sleep when I'm tired. I sleep when I'm done. The average millionaire wakes up at 4 a.m. Some of y'all have no idea what 4 a.m. looks like. Why would you not wake up at 4:30? Because you're too busy sleeping in. Too busy hitting the snooze button multiple times. Excuses sound best to the person that's making them up. And if we can really be honest. No, I don't want to do this. No, it's not safe. No, that's too dangerous. I can't do that. तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ब्रिलियंट एंड वेपन अनदर वीडियो। वी आर गोइंग टू वॉच साइमन सेज की तरफ से हाउ टू फाइंड मोटिवेशन। तो भैया, जैसे कि तुमको पता है कि मैं बहुत टाइम से बहुत लंबे ब्रेक पे था, बहुत सारी वीडियोस पेंडिंग हो गई, एनिमेज खत्म हो गए, वो वाले एपिसोड्स भी पेंडिंग है, रिशु की एक वीडियो है जो हमने कर दी है, नाउ इट्स टाइम फॉर साइमन सेज। तो ये वाली वीडियो मुझे थोड़ी सी एक्साइटिंग भी लग रही थी और मुझे लगा थोड़ी जरूरी भी है मेरे लिए, बिकॉज एज यू नो आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक यू नीड सम काइंड ऑफ मोटिवेशन टू गेट बैक टू वर्क। और मुझे लगा कि साइमन से बढ़िया हमें मोटिवेशन और कौन देगा। साइमन ये एक है जिससे मैं थोड़ा सा रिलेट कर पाता हूँ, जो मुझे लगता है वो समझेगा मेरी बात की, यू नो, जो लॉन्ग ब्रेक्स लेते हैं हम उसके बाद वापस आना होता है, साइमन से बड़ी और कौन समझ सकता है। और साइमन सिर्फ अकेला नहीं मोटिवेट करेगा, इतना तो मुझे समझ आ रहा है कि यू नो ही विल शो अदर मोटिवेशन स्पीकर्स एज वेल, आई गेस सो। मेरे हिसाब से 4-5 होंगे मोटिवेशन स्पीकर जो इसके अंदर दिखाए जाएंगे, एंड देन साइमन विल कंक्लूड द सिचुएशन विद हिज ओन प्रिटी वर्ड्स जो वो शावर करेंगे हमारे ऊपर। बरसात होगी ज्ञान की फ्रॉम द वन एंड ओनली साइमन सेज। तो बाकी की बातें जो है वो वीडियो के दौरान करेंगे या वीडियो के बाद करेंगे। तुम समझदार हो, मुझे पता है, मैं पॉज एंड प्ले करता हूँ, यू नो दैट। अब तो खैर भाई 6 साल हो गए हैं, अब थोड़ा समझ जाओ। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हाउ टू फाइंड मोटिवेशन फ्रॉम साइमन सेज, शुरू करते हैं। ओ कॉपी कॉपी राइट, स्टॉप स्टॉप भाई साहब, साइमन भाई। अच्छा, मुझे लगता है साइमन को नहीं लगता होंगे तो कॉपीराइट। मुझे तो भाई साइमन के चक्कर में मुझे कभी कभार लग जाते हैं, इतने तो मतलब मैं अपने साउंड इफेक्ट्स के चक्कर में नहीं गया कभी। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू साइमन सेज, इट्स योर बॉय बीच बॉय साइमन। आई नो इट्स विंटर देयर बट इट इज ऑलवेज सनी ऑन साइमन सेज। नाउ बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो आई वांट टू एड्रेस द स्नेक इन द रूम। एक ऐसा सवाल जो हर कोई मुझे पूछते रहता है कि मैं इनकंसिस्टेंट क्यों हूं। आई मीन कम ऑन, इट्स ऑब्वियस। सभी को पता है कि अगर आज मैं कंसिस्टेंट होता तो मैं मिस्टर बीस्ट को भी ओवरटेक कर देता। राइट, वेल वन ऑफ द मेन रीजंस इज मोटिवेशन। पिछले साल ऑल्दो आई डिड नॉट लूज माय टेस्टिकल, आई लॉस्ट माय मोटिवेशन। जब मुझे फाइनली मेरा गोल्ड प्ले बटन मिला है वन, बट एट व्हाट कॉस्ट। लोग कहते हैं डार्क साइमन को वापस लाओ। कैसे वापस लाओ, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं मेरे माइंड में। रियलाइज्ड कि द रीजन आई डोंट हैव मोटिवेशन इज बिकॉज़ आई डोंट वॉच मोटिवेशनल वीडियोस। सो यस, आज हम कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखेंगे। वेलकम टू इंडिया हैज गॉट मोटिवेशन। एज यू नो आजकल सभी को मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, तो इसीलिए आज हम इंडिया के कोने कोने से आए हुए कुछ अंडररेटेड मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखेंगे। इट इज एक्चुअली वेरी इजी टू गिव एडवाइस, बट व्हेन हैज दैट एवर स्टॉप्ड अ मोटिवेशनल स्पीकर फ्रॉम मोटिवेटिंग। राइट, दैट इज ट्रू। ओवर एनीथिंग इल्स, बिफोर एनीथिंग इल्स, माइक इज नॉट बिल्ट टू विदस्टैंड सच फोर्स। वो माइक के साथ ह्यूमन राइट्स वायोलेशन हो रहा है। बिफोर एनीथिंग इल्स, ओनली प्रिपरेशन इज द की टू सक्सेस। ओह अच्छा, आर यू श्योर, एनीथिंग एल्स? नथिंग, ओनली प्रिपरेशन। ये हमारे आज के पहले कंटेस्टेंट अंकित चौधरी, इज अ फ्लुएंट मोटिवेशनल स्पीकर। चौधरी कहां है? इफ यू आर मास्टर ऑफ सेल्फ कंट्रोल, देन यू आर मास्टर ऑफ एनीथिंग। I'm sorry, sir. Instruction not clear. मैंने गलती से master of bait कर दिया। मेरे दिमाग में भी चल रहा था। Oh God, add Simon की वीडियो पे भी add. Who brings fear in your plan? This is good motivation actually. अंकित सर is the best example. उसके दोस्त हमेशा उसे बोलते थे कि भाई तू मत कर motivation, तूने life में कुछ किया नहीं तो तू motivate क्यों कर रहा है? लेकिन उसने कभी किसी की नहीं सुनी और अभी देखो वो कहाँ पे है? मेरे वीडियो में। और बाकी सब ठीक है, लेकिन इसमें टॉमी शेल्बी क्या कर रहा है? That's an honor actually. टॉमी शेल्बी ये वीडियो देखने के बाद ही साइड में सुसु करने गया। There are two way to be happy. Okay. First is change your situation. Second is change your mind towards. Towards what?
Towards what? Towards what? How am I supposed to be happy now? Mystery half man. Knowledge is dangerous. Suna tha, but half. That is the definition of a good motivational speaker. Mystery. लोगों की लाइफ से मिस्ट्री गायब होती जा रही है. उनकी लाइफ में मिस्ट्री डालनी है हमें. You don't understand. It was deep message. He was trying to convey something. Motivation is even more dangerous. Risk is better than regret. पिछले दो मिनट से इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ. I'm struggling to understand him, but so far I've made no progress. To control yourself, use your mind. And to control others, use your heart. मेरे को motivation चाहिए. ये manipulation क्यों सिखा रहा है? And to control others, use your heart. मुझे किसी को control नहीं करना. The only thing I want to control is my hair fall. It doesn't matter how masculine you are. Male pattern baldness is very common. और किसी को भी हो सकता है. Hair loss 7 stages में होता है. और अगर आप stage 5 के ऊपर हो, then your only solution is hair transplant surgery, which is very expensive and complicated. लेकिन अगर आप stages 1 to 4 के बीच में हो, then there is a good news. You can prevent hair loss. और उसके लिए today in this video I am going to recommend you Traya. What I like about Traya is that instead of just selling you a product, वो आपको एक सर्विस भी देते हैं. इनकी टीम आपके हेयर फॉल को एनालाइज करती है और आपको एक कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन देती है. Traya एक हेयर टेस्ट लेता है और आपको बताता है कि आपके बाल कितने डैमेज हुए हैं और उसका क्या रीजन है. दिस हेयर टेस्ट इज ऑनलाइन एंड इट इज कम्प्लीटली फ्री. इनका सक्सेस रेट 93% है और इन्होंने सिर्फ 5 से 6 महीनों में 2 लाख से भी ज्यादा कस्टमर्स को रिजल्ट दिखाए. Traya आयुर्वेदा, डर्मेटोलॉजी और न्यूट्रिशन की मदद से आपके हेयर लॉस को ट्रीट करता है. यू विल बी गिवन अ कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन. मैंने भी इनका 1 महीने का कोर्स लिया है. आप भी ले सकते हो बस 3 स्टेप्स में. Traya.health पे जाके फ्री हेयर टेस्ट लीजिए, अपना 1 मंथ कस्टमाइज्ड हेयर किट खरीदिए और दिए गए डाइट प्लान और हेयर कोच की मदद से 5 महीने में रिजल्ट्स देखिए. आई जस्ट रियलाइज समथिंग. साइमन एक दो बार से हेयर लॉस वाली चीजों के ऊपर प्रमोशन कर रहा है एंड ही सेड दैट ही यूज्ड देम एज वेल एंड नाउ ही इज वेयरिंग अ बैंडाना लाइक KSI. Use my coupon code Simon20 to get 20% off. Check out Traya, link is in the description below. And that was my motivation for this video today. back to Ankit. ATM pay. The secret of achieving quick success. Sonu Sood. Is that the people who start with the half height on the ladder of progress, they have achieved half height. Height ki spelling. People with half height on ladder of progress have achieved half success in the beginning itself. Oh wow, ये तो nepotism पे social commentary है. Yes, he's spitting facts, but problem ये है कि ये motivation नहीं है, demotivation है. Nepotism के victims ये सुनकर give up कर देंगे. और इसमें पीछे सोनू सूद क्या कर रहा है? सोनू सूद ने TikTok migrants को भी वापस TikTok पे छोड़ के आना चाहिए था. If they don't try to value up having you, then don't try to convince them at all. At this all. This is your first priority. बेचारे का किसी ने दिल तोड़ दिया. वो लास्ट लाइन के बाद जो एक्सप्रेशन था, ओ हो हो, यू कैन नॉट फेक दिस. ओके, आई कैन रिलेट टू दिस. दिस इज बड़ा गुस्से वाला लग रहा है. लाइक, लेकिन ये बात सच है कि टूटा हुआ दिल बहुत खतरनाक होता है. और एक और रिसर्च के मुताबिक दुनिया में आज भी हर 10 में से 6 लोग कभी इस बात का इजहार नहीं कर पाते कि उनका हार्ट ब्रेक हुआ है. दोस्त वही जो पापा की परियों में खोने ना दे. इसको हिंदी आता है. और लक्ष्य वही जो रात को सोने ना दे. नहीं नहीं, थैंक यू. मेरे को रात को 8 घंटे का नींद चाहिए. बूम 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 स्टॉप्ड. मैंने पूछा कि क्या हालचाल, कैसा चल रहा सब कुछ. आई मीन इट्स नथिंग टू से. आई मीन प्रथा है, वीडियो में एक दो बार तो रोकना है. तो और स्पेशली मुझे कोई लक्ष्य नहीं चाहिए जो मुझे रात को सोने ना दे. और लक्ष्य वही जो रात को सोने ना दे. साइमन, व्हाट हैपेंड ब्रो? आई थिंक यू शुड कंसीडर टीथ स्ट्रेटनिंग. ना आकांगो आगा. ये
What happened? मुझे अभी अभी एक बहुत सैड न्यूज मिली है यार, पूरा मूड ऑफ हो गया यार। मैं ये वीडियो शूट कर रहा था और आदित्य ने मुझे एक मैसेज भेजा अभी, एंड इट इज अ वीडियो लिंक, और ये वीडियो लिंक लच्छे चौधरी के नए वीडियो का है और इसका टाइटल और थंबनेल देखकर मुझे लग रहा है कि मेरा और लच्छे का सेम टॉपिक पर है। यस, आई वाज एक्चुअली थिंकिंग अबाउट दैट। आईडिया इज वेरी डिप्रेसिंग। मैंने देखा था ये चीज, वर्स्ट न्यूज एवर इन द हिस्ट्री ऑफ। मैंने ये देखा था एंड आई वाज थिंकिंग अबाउट दैट, आई वाज लाइक ऐसे कैसे इतना सेम। एक्चुअली सोने नहीं देगा आज, सबरेडिट वीडियो भी बनाना चाहिए था। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन फ्रॉम लच्छे चौधरी एंड अंकित चौधरी। इस अंकित ने तो मुझे डीमोटिवेट कर दिया। आई होप हमारे अगले कंटेस्टेंट अशोक मोटिवेशन से कुछ मोटिवेशन मिले। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना कि कामयाबी के पीछे नहीं, काबिलियत के पीछे दौड़ना चाहिए, कि काबिलियत के पीछे दौड़ना चाहिए। बराबर, दो दो बार। नॉर्मली लोग वीडियो का लेंथ बढ़ाने के लिए एंड में एक ब्लैंक आउट्रो रखते हैं म्यूजिक के साथ, लेकिन इसने तो ब्लैंक एक्सप्रेशन दिया है। सिग्मा मेल। बाज की तरह उड़ना सीखो, क्या जमीन पे भेड़ियों की तरह चल रहे हो? चलना है तो अकेले चलो, क्या इन कबूतरियों के पीछे चल रहे हो? ओए, ये क्या हुआ बीच में? ग्लिच, ग्लिच इन द मैट्रिक्स। ओह माय गॉड। अरे क्या बात है भाई, वेरी गुड। काइन मास्टर पिक्सार्ट के सारे इफेक्ट्स डाल दो, ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। ऑल्सो दिस इज द एवरेज सिग्मा मेल डैंक मीमर। कबूतरों के पीछे मत भागो, भीड़ में मत रहो, अकेले रहो। भीड़ में नहीं चलते, वो बात अलग है कि सिग्मा मेल वाले वीडियोस पे मिलियंस में व्यूज आते मेरे दोस्त, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो इन कबूतरियों के साथ छोड़ना होगा और अकेले चलना ही होगा। को कबूतरियों से बहुत प्रॉब्लम है, लगता है इसने बहुत दाने डाले लेकिन कभी किसी कबूतरी ने इसको भाव नहीं दिया। बेसिकली द ओरिजिन स्टोरी ऑफ एवरी एंड्रू टेट फैनबॉय। जिंदगी जख्मों से भरी पड़ी है, कि जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को वरम बना लो, हारना ही तो है मौत से एक दिन, की हारना ही तो है एक दिन मौत से जिंदगी। ओ भाई साहब, तो थोड़ा सा जो है क्या हो गया था तुम्हें पता ही है, लाइव स्ट्रीम पे भी होता है ये सब, तो वही हुआ और मेरा नेट बंद हो गया। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अ लिटिल बैक एंड जस्ट अ सेकेंड। Yep, and now start. ही तो है मौत से एक दिन की हारना, ही तो है एक दिन मौत से जिंदगी को पहला जीना सीख लो, के जिंदगी को पहला जीना सीख लो। अच्छा, तभी कभी लगता है मेरे लैपटॉप में दिक्कत है। शायरी खत्म होते होते इसकी जिंदगी की बैटरी डाउन हो गई। जिंदगी लाइन अच्छी थी, वक्त को मरहम बना दो, बट ये अभी थोड़ा एग्जिस्टेंशियल हो रहा है। तो मेरे से ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत तो इसको है। दिस इज अ फ्लॉप कॉन्सेप्ट, इंडियाज गॉट मोटिवेशन। मैं इसको पायलट एपिसोड में ही कैंसिल कर रहा हूँ। या प्लीज, थैंक यू। मोटिवेशन पाने के लिए कोई अंडररेटेड नहीं, प्रोफेशनल की जरूरत है। थैंक यू। अंकित और अशोक से तो मुझे मोटिवेशन मिल नहीं पाया, सो नाउ माय ओनली होप लेफ्ट इज अलाक। अलाक सर्स मोटिवेशनल वीडियोस आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जेंडर्स ऑन यूट्यूब। आई थिंक इसको देखो, इनको एक नया चैनल ही खोल देना चाहिए, मोटिवेशन वल्ला। सोया क्यों है तू? उठ जा, उठ, उठ नींद से। जिंदगी में तुझे कुछ बनना है कि नहीं? He's trolling. कि नहीं? अब तुमको कुछ बड़ा करना है। He's trolling. This looks like trolling. सोलिया, उठ। I mean, trolling means कि he's doing it on purpose. It's not. खोल किताब, पढ़ ले, पढ़ ले, पढ़ डाल। दो चैप्टर हो गए, एक और पढ़ डाल, तीन का डाल, तीन हो गए, पांच का डाल। आज तेरे को जिंदगी दुनिया जीतनी है। This is what my mind tells me 1 week before exam. आज से ये मेरा फोन का अलार्म है। नाइस, उठ जा, नाइस, उठ नींद से। जिंदगी में तुझे कुछ बनना है कि नहीं, कुछ करना है कि नहीं? अब तुमको कुछ बड़ा करना है जीवन में, उठ जाओ रात में। जितने कम लोगों से बेटा बात करोगे उतना अपने काम में डेडिकेट होगे। कम से कम लोगों से बात करो एंड बी आर नो बुलशिट पर्सन। मेरा तो ये कहना है, बी आर नो बुलशिट पर्सन। दूसरे की बुलशिट लेनी ही नहीं है। यार मेरा ब्रेकअप हो गया, यार मेरे साथ ऐसा हो गया, भाई माफ कर मुझे 6 महीने के लिए, मुझे अपनी जिंदगी बनानी है अभी। ठीक है, आज से मैं भी किसी से बात नहीं करूंगा। आई विल बी अ नो बुलशिट पर्सन। या मैं भी ऐसा बोलता अगर मेरी हो रही होती किसी से।
बुलशिट पर्सन, दूसरे की बुलशिट लेनी नहीं है। जितने कम लोगों से बेटा बात करोगे उतना अपने काम में रिपीट हो रही है बात, ये कम से कम लोगों से बात करो। डार्क नाइट मूवी के प्रिपरेशन के लिए हीथ लेजर ने भी यही फॉर्मूला अपनाया था। आज देखो वो कहां पे है। मुझे रियलाइज नहीं हुआ 100 रुपए की हवाई चप्पल आती है ना, वो 100 रुपए की हवाई चप्पल पहनो, 200 रुपए की वो नकली प्यूमा वाली टी शर्ट पहनो, एक लोअर पहनो और सुबह सुबह पहुंच जाओ BMW के शोरूम पे। ऐसी हालत में गार्ड भी तुमको कह दे रहा है तू क्या लेगा यहाँ से, सब्जी नहीं मिलती भाग यहाँ। एक कॉल तुम घुमाओ और BMW के इंडिया हेड का कॉल पहुंचे शोरूम मैनेजर के पास। शोरूम मैनेजर भागता हुआ तुम्हारे पास आए, कहे साहब क्या चाहिए था, घर पे मंगा लेते साहब, यहाँ क्यों आने का कष्ट किया। तब बोलो पूरा शोरूम खरीदेंगे, बेइज्जती हो गई है, 100 करोड़ रुपए लेके ये दे दो, बोलो पूरा शोरूम में जितनी गाड़ी हमारे घर पहुंचा देना। तब माने तुमने कुछ कर लिया, बड़ा सपना देखो। लेकिन सर एक डाउट है, अगर उस शोरूम के वॉचमैन ने हमें बेइज्जत करके नहीं भगाया तो ये पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा ना। इमेजिन आपके लाइफ का पूरा पर्पस उस वॉचमैन के डिसीजन पर डिपेंड करता है। अगर उस वॉचमैन ने हमें शोरूम के अंदर यू टेल एवरीथिंग टू द वॉचमैन एंड फिर एक पसीना यहाँ से कि वो क्या बोलेगा, और पूरा ऐसा बढ़िया सा माहौल बना पड़ा है, एवरीवन इज वॉचिंग स्लो मोशन में इंटेंस सिचुएशन एंड व्हाट विल द वॉचमैन से। ऐसे अलाउ कर दिया तो हम प्रूव ही नहीं कर पाएंगे कि हमने लाइफ में कुछ किया या नहीं, हम औकात कैसे दिखाएंगे फिर। ये ऐसा मटेरियलिस्टिक मोटिवेशन मेरा दिमाग खराब कर देता है। अगर आपको लगता है कि अगर आप एक शोरूम खरीद के लाइफ में कुछ उखाड़ सकते हो, यू विल रियलाइज कि किसी और के पास 5 शोरूम खरीदने के पैसे और किसी और अच्छा, के पास 10। आई मीन देखो छोटी सी बात है, मटेरियलिस्टिक जो चक्कर है ना कि भाई ये करके और फिर दिखा दो लोगों को, खरीद के दिखा दो, जाओ मुंह पर मारो पैसे, हमारे पास बहुत पैसे हैं, मतलब हमने अर्न किया ये, और फिर आई मीन फिर फायदा क्या है। अगर तुम एटीट्यूड ही कमाना है तुमने, अगर करने के बाद एटीट्यूड ही आ जाएगा तो फिर समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, कि छोड़ो ना उस चीज़ को, इसको छोड़ दो, उस चीज़ के बारे में सोचो ही मत। शोरूम खरीदने के पैसे तो उनके सामने ये एक शोरूम खरीदने वाले की क्या औकात है। yeah. जितने पैसे की जरूरत है उतना कमाओ, उतना बस है, मनी इज नंबर्स एंड नंबर्स आई मीन फाइनाइट अनलिमिटेड, कमाओ जितना भी उड़ाओ अपने हिसाब से नंबर्स। आज इस वीडियो से मुझे बस एक मोटिवेशन मिला कि कभी मोटिवेशनल वीडियोस नहीं देखना है। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, गुड नाइट ईसीएसडी एससीएसटी ओबीसी एसएसडी पीटीएसडी एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। ओ कॉपीराइट कॉपीराइट स्टॉप स्टॉप Stop. Copyright. Stop. Okay. So this was the video about motivation. Pretty basic. Pretty average. ये भी था कि जब हम मैंने एक लाइव स्ट्रीम की थी बीच में वापस आने से पहले, एंड आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि हाँ साइमन की वीडियो रह गई, रिशु की वीडियो रह गई, एंड पीपल आर सेइंग कि नहीं नहीं साइमन की वीडियो तो इट वॉज यू नो इट्स प्रीटी एवरेज एंड यू शुड वॉच रिशूज वीडियो। आई मीन रिशू की वीडियो फिर भी हाँ बढ़िया थी, साइमन की वीडियो थोड़ी सी एंड में आके फिजिक्स वाला जो है फिजिक्स वाला जो था सेक्शन इट वॉज गुड। सो ऑल ओवर द वीडियो वॉज ओके, ऐसा कुछ खास बहुत बढ़िया चीज़ नहीं थी। यू नो साइमन का जो बार है वो कहाँ सेट हुआ हुआ है, एंड आई मीन उसके आस पास भी कोई वीडियो होती ना तब भी हो जाता है, बट दिस वॉज काइंड ऑफ एवरेज। द जोक्स वर गुड। लास्ट सेक्शन एज आई सेड फिजिक्स वाला जो फिजिक्स वाला जो सेक्शन था दैट वॉज बिट बेटर, जैसे कहें कि एंडिंग ने थोड़ा सा संभाल लिया। मोटिवेशन के लिए ना आपको कोई दूसरे बंदे की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट पॉइंट दिस, हमेशा ये चीज़ समझो। अगर तुम्हें मोटिवेशन के बारे में बात करनी है तो मोटिवेशन के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि तुम्हें कोई और बंदा मोटिवेट नहीं कर सकता अनटिल अनलेस यू वॉन्ट टू गेट मोटिवेटेड, यू वॉन्ट टू डू समथिंग, लाइक यू वॉन्ट टू चेंज समथिंग राइट इन योर बिहेवियर इन योर रूटीन या कैसे भी। ये मैंने ये एक बहुत सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप यू वॉन्ट टू चेंज थिंग्स एंड यू वॉन्ट टू चेंज द रूटीन देन यू डोंट नीड अ मोटिवेशनल स्पीकर। तब तो फिर आप ये है कि थोड़ी सी आप मेहनत और करो और यू नो स्टार्ट डूइंग थिंग्स इंस्टेड ऑफ थिंकिंग थिंग्स। मुझे लगता है सबसे अच्छा जो तरीका है ना अगर फीलिंग काइंड लो तो रूटीन चेंज करो, जो भी आप उस कुछ दिनों से कर रहे हो
वो उसमें कुछ चेंज करो, कुछ नयापन लाओ, चाहे गेमिंग स्टार्ट कर दो, चाहे वीडियो देखना स्टार्ट कर दो, चाहे जो भी, जस्ट ऐड समथिंग, आइदर ऐड समथिंग और रिमूव समथिंग फ्रॉम योर, बाहर घूमने जा सकते हो, वॉक पे निकल जाओ, और जैसे भी चेंज जो है ना, चाहे छोटा सा भी हो, वो बड़ी हेल्प कर देता है। तो यू डोंट नीड मोटिवेशन स्पीकर्स। मैं हमेशा मोटिवेशन स्पीकर्स के लिए ना, मुझे वो फील ही नहीं होता था मोटिवेशन स्पीकर से कभी। बहुत जेनेरिक बातें करते हैं मोटिवेशन स्पीकर्स, बहुत ही जनरल। कभी तुम ध्यान देना और तुम ये सोचोगे इस बारे में कि यार ये सब तो बातें पता है हमें, इसकी ज़रूरत क्या है। बट मुद्दा वही है कि मोटिवेशन स्पीकर्स के पास कुछ अलग से ज्ञान नहीं होता, वो वही बातें बताते हैं जो तुम्हें ऑलरेडी मालूम है, बस तुम्हारा ध्यान नहीं जा रहा, बस तुम उस चीज़ के बारे में सोच नहीं रहे, वो बस तुम्हारा उसके ऊपर ऐसे लाइट डालते हैं कि हाँ ये भी है, ये करना चाहिए तुम्हें। एक्सपीरियंस से जब शेयर हो ना, तो वो एक अलग चीज़ है, दैट यू लर्निंग फ्रॉम समवन एल्सेस एक्सपीरियंस, वो ज़्यादा यू नो बेहतर काम करेगा टू लर्न, क्योंकि एक्सपीरियंस से बढ़िया कुछ नहीं है, चाहे वो अपना हो चाहे किसी और का हो। इन कंक्लूजन द वीडियो वाज ओके, टॉपिक वाज मैं, और या विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।